लाइब्रेरी नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी सुलभ शबाना। तो चलिए करते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग या डेली कार्ड रीडिंग या कार्ड फॉर द डे। तो मैंने तीन कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। शफल करने के बाद अब आपको सेलेक्ट करना है आपका कौन सा कार्ड है, 1, 2 एंड 3। अपने जो है इंट्यूशन पे फेथ रखिएगा, अपने आप पे फेथ रखिएगा और बिल्कुल कहते हैं आंख बंद करके और ध्यान लगा के अपना कार्ड को सेलेक्ट करिएगा। उसी के अकॉर्डिंगली आपको दिन में चैलेंजेस आ सकते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ये आप कभी भी देख सकते हैं। जब देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी, आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए कार्ड नंबर 1 में क्या आया है। कार्ड नंबर 1 में आपके लिए आया है 10 ऑफ वैंस। 10 ऑफ वैंस कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना होगा। पीठ में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है और काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको जो है जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और तो आप काम कर लेंगे लेकिन चीजें थोड़ी मुश्किलें से होंगी, थोड़े सी चैलेंजेस ज्यादा आपको आ सकते हैं। तो आप थोड़ा लाइट होकर चलेगा, अपने पे फेथ करके चलेगा। जो भी आपके ईष्ट हैं उनको प्रार्थना करके फिर अपना दिन आगे बढ़ाइएगा। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बर्डन होने लगे, कोई आपको आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाए या आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे। उसमें भी कई बार क्या होता है, इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो भी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। नाउ आपको चीजों को बहुत लाइटली चलना है, और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, काम सारे आपके होंगे। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहता है कि कहीं ना कहीं आज हार्ट ब्रेक हो सकता है, हो सकता है कोई आपको कुछ कह दे, आप हर्ट हो जाएं, आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएं और आपको किसी की कोई बात बुरी लग जाए। लड़ाई भी हो सकती है, प्यार में थोड़ा सा दिक्कत मुझे नजर आ रही है। जहां पर रिलेशनशिप्स है वहां पे कुछ अनबन हो सकती है। तो आज एक काम करिए, आज अवॉइड करिए, आज बात करना अवॉइड ही करिए। आपको जब लग रहा है कि कोई ना कोई अनबन हो सकती है तो आप अवॉइड कर दीजिए। दूसरी बात, दांत में दर्द हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, तो उस चीज का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और जहां तक है सर में दर्द भी हो सकता है, और अपने खान पीन पे थोड़ा फैटी चीजें कम खाइएगा, वो आपको नुकसान कर सकती हैं। जहां तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं वो अभी वैसे ही बरकरार रहेंगे। अभी आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज अभी बहुत ज्यादा सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि आज बहुत कम बात करिएगा, कम से कम लोगों से कॉन्टेक्ट करिएगा। जहां लगे लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, वहां को अवॉइड कर दीजिएगा। तीसरा आपका कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल। अब हमारा जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही कहता है कि आज कोई भी काम मत करिएगा, नया काम मत करिएगा, किसी नए बिजनेस में या किसी नए चीज में आप हाथ मत डालिएगा, क्योंकि वहां पे पॉज है। पैसों में भी पॉज है, करियर में भी पॉज है, यानी आप जो भी काम करना शुरू करेंगे उसमें डिले मिलेगा। तो आज शुरू ही मत करिए, हर चीज को कल पे टाल दीजिए, और जितना हो सकता है, क्योंकि आज मनी फ्लो भी नहीं दिखता, मुझे करियर फ्लो भी नहीं दिखता। इंटरव्यू के लिए जाना है तो कोशिश करिए कि आज मत जाइए। तो इन सब चीजों का आज आप ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो पॉजेस नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी को प्यार का इजहार कर रहे हैं तो वो भी अभी मत करिएगा। लड़का लड़की देखते जा रहे हैं तो भी मत देखिएगा, क्योंकि आज जो भी काम करेंगे वो स्लो प्रोसेस में होगा, धीरे धीरे होगा, आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिलेज कल पे चली जाएगी बात। तो बस ये है डेली रीडिंग आज के लिए, और देखते रहिए। और साथ में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अभी तक साप्ताहिक राशिफल मैंने पोस्ट नहीं किया है, वो मैं शाम को जरूर कर दूंगी। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।